नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और साथ ही साथ आवेदन करने के लिए ऑफलाइन फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें आप लोग आवेदन कैसे करेंगे इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के अंदर आपको इतनी सारी वैकेंसीज मिलेंगी कि अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं या डिप्लोमा हैं या ग्रेजुएट हैं तो आप लोग अलग अलग पोस्ट वैकेंसीज के लिए आवेदन कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि आप लोग आवेदन बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे, बिना किसी फीस के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के लिए वैकेंसी आ चुकी है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र मैक्सिमम यहां पे 56 यानी कि 56 साल तक की है तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। वेतन के बारे में, सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, आवेदन कैसे करना इसके बारे में आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो आपके काम की लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। चलिए अब नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट ये डेट है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, जुलाई 13 2021 के दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अप्लीकेशन फॉर्म के अंदर बोला गया है कि जब से आवेदन स्टार्ट होंगे उसके 60 दिनों के अंदर आपको आवेदन करने होंगे। तो इस हिसाब से आपको आवेदन करने का काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग 14 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग जितने भी डिपार्टमेंट देख पाएंगे इनके अंदर आपको एक अच्छी सी पोस्ट पर जॉब मिलेगी। कौन कौन सी वैकेंसी है इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, आप लोग वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। यहाँ पे टोटल आपको 6 पेजों का PDF मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, आप लोग इनको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे आपको सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, लाइफ साइंस के अंदर, बिल्डिंग एंड डिज़ाइन के अंदर, यूनिफॉर्म एंड काफ़ी सारी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और यहाँ पे आपको वेपन हो गया, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे आपको कॉन्स्टेबल की, लाइब्रेरी असिस्टेंट की, मैनेजर ग्रेड 3 की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 की, स्टोनोग्राफर की, लीगल असिस्टेंट की, सीनियर इन्वेस्टिगेटर की, और इसी के साथ यहाँ पे आपको DIG पुलिस की, स्टाफ सर्जन की, रीडर की, काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पे मिलेंगी। पे लेवल और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे बताई गई हैं, जहाँ पे आपको वेटनरी ऑफिसर की, इंस्ट्रक्शंस फैकल्टी की, ट्रेनिंग ऑफिसर की, अकाउंट ऑफिसर की, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी की, ट्रेनिंग असिस्टेंट की, ड्रिल इंस्ट्रक्टर की और इंस्पेक्टर की, साथ में यहाँ पे स्टोनो की, जूनियर इंजीनियर की, स्विमिंग कोच की, प्रोग्रामर की, कंप्यूटर की, और यहाँ पे आपको सेनेटरी इंस्पेक्टर की, स्टाफ नर्स की, हिंदी ट्रांसलेटर की, बैंड प्लाटून की, SI कंपाउंडर की, इलेक्ट्रीशियन की, जूनियर अकाउंटेंट की, स्टोनोग्राफर ग्रेड 3 की, और यहाँ पे आपको नर्सिंग की, काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। और यहाँ पे ऐसी भी पोस्टें हैं जैसे कि सफाई कर्मचारी की, बिस्ती आउटडोर ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ की, माली की, कुक की, हेल्पर की, कैमरामैन की, फोटोग्राफर की, लाइब्रेरी असिस्टेंट की, टेलीफोन ऑपरेटर की, और यहाँ पे ड्राइवर की, बैंड प्लाटून की, लेबोरेटरी अटेंडेंट की। कुल मिला के बात यह कि अगर आपका एजुकेशन 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएट है, तो आप लोग इन सारी की सारी पोस्टों के लिए इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ये तो हो गई आपकी वैकेंसीज, जो कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि कोलकाता, जयपुर, अलग अलग जितने भी यहाँ पे आपको सिटी वगैरह दिख रहे होंगे, इनके हिसाब से आपको अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि आपको आवेदन करने के लिए कौन से फॉर्म को फिल करना होगा। दोस्तों, मैंने अप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर लिया, आप लोग यहां पे देख पाएंगे, अप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ, जितनी भी मैंने वैकेंसी बताई उनमें से किसी एक पोस्ट का नाम यहां पे लिखेंगे, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं ऑन डिप्यूटेशन बेसिस। इसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, आप लोग यहां पे देख पाएंगे, नेम इन ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे,
और इसके बाद से यहाँ पे आपका एजुकेशन एप्लीकेशन ईमेल आईडी फोन नंबर मोबाइल नंबर के साथ काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा और भी यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारी मांगी गई जिसके बारे में वीडियो के आखिरी में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गृह मंत्रालय की तरफ से आ चुकी नई भर्ती 2021 के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर आपको आवेदन करने के लिए आखिरी डेट 14 सितंबर 2021 की देखने को मिल जाएगी। इस वैकेंसी के लिए मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल की, ऑफिस सहायक की और ऐसी ही कई सारी वैकेंसी आपको मिलेंगी, जैसे कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिखा दिया है। मिनिमम एजुकेशन आपका 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माली जैसे पदों पर, कुक जैसे, हेल्पर जैसे पदों पर भी भर्तियाँ आ चुकी हैं। वेतन की बात करें तो यहाँ पे आपको 57,000 रुपये तक वेतन आपको मंथली का दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। अब चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से हमको नोटिफिकेशन और आवेदन करने का लिंक मिलने वाला है। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे बीपीआरडी रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर 231 वेरियस पोस्ट वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करने होंगे। अगर बात करें यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट की तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। इसके बाद अगर बात करें नेम ऑफ दी पोस्ट की, कांस्टेबल की, लाइब्रेरी असिस्टेंट की, मैनेजर ग्रेड थर्ड की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, ड्राफ्ट्समैन की ग्रेड सेकंड में, यहाँ पे स्टोनोग्राफर ग्रेड थर्ड में और लीगल असिस्टेंट की, असिस्टेंट की और अदर पोस्ट वैकेंसी काफ़ी सारी हैं। इसके बाद टोटल नंबर वैकेंसी की बात करें तो 231 पदों पर आ चुकी हैं। आवेदन करने की डेट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है विथ इन 60 डेज, यानी कि आपको 14 सितंबर 2021 तक आवेदन कर देने हैं। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑनलाइन है और जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया है। बात करें अगर यहाँ पे वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन के बारे में, तो मिनिमम आपका 10th 12th है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री वगैरह है तो अपर लेवल की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें एज की तो आपकी उम्र 56 साल तक की है तो आप लोग एलिजिबल होंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई गई है। देन टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, आप लोग क्लिक हियर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका यहाँ पे सैलरी है वो लेवल 2 के अंतर्गत दिया जाएगा 13A में, इसको नोटिफिकेशन से समझना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो बिल्कुल फ्री है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो। देन इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन और वेबसाइट प्रोवाइड कराएगा। तो सिंपल है, अगर आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लिक हियर की बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डाउनलोड की बटन आएगी और इस पर क्लिक करते ही आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आपसे परमिशन लेगा कि आप लोग किस रीडर से इसको ओपन करना चाहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ से जो 13 जुलाई के दिन नोटिफिकेशन आया है, मैंने उसको ओपन कर लिया है। और अगर इसके बाद आपको नोटिफिकेशन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर की बटन पे क्लिक करना होगा, डाउनलोड की बटन आएगी और डाउनलोड की बटन पे क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन को किसी भी पीडीएफ रीडर से ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन हो गया, आप लोग इसको चेकआउट करिए। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट करिए, साथ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि अगली अपडेट भी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।